नमस्कार दोस्तों, संस्कार अकादमी के YouTube चैनल पर आपका अभिनंदन है, स्वागत है। गुप्त साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य के बाद में एक महत्वपूर्ण चैप्टर था जिसका नाम था गुप्त साम्राज्य। हम गुप्त साम्राज्य का अध्ययन कर रहे थे। पीछे की क्लासों में हमने गुप्त शासकों को देखा, कल की क्लास में हमने गुप्त प्रशासन देखा कि किस तरह से उनका प्रशासन था। राजा का जो पद था वो महत्वपूर्ण पद था, राजा की सलाह के लिए मंत्रिपरिषद थी। मंत्रिपरिषद के सदस्यों को अमात्य या कुमारवात्य कहा गया था, ठीक है। केंद्र किस तरह से भुक्तियों में बटे हुए थे और सबसे प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। तो इस तरह से हमने कल जो देखा था वो गुप्त प्रशासन था, छोटे से लेकर के बड़े स्तर का प्रशासन देखा। आज हम बात करेंगे हमारी क्लास में जिसका नाम है गुप्तकालीन कला और संस्कृति। पीछे एक बात क्लियर करके आ चुके थे हम गुप्तकालीन कला और संस्कृति को लेकर के, वह बात ये थी कि कला और संस्कृति में गुप्त साम्राज्य को या गुप्त काल को भारतीय प्राचीन इतिहास का स्वर्ण युग या क्लासिकल युग कहा था। जी हाँ, गुप्त कला संस्कृति को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा गया था या क्लासिकल युग कहा गया था, ठीक है। तो गुप्तकालीन कला और संस्कृति, कला और साहित्य की दृष्टि से गुप्त काल को क्लासिकल युग या स्वर्ण युग कहा गया है। तो आज हम बात करेंगे गुप्तकालीन कला की, ठीक है। तो गुप्तकालीन कला के तीन पक्ष हैं, जिसमें पहली आती है स्थापत्य कला, दूसरी है चित्रकला और तीसरी है मूर्ति कला। गुप्तकालीन कला के तीन पक्ष हैं, स्थापत्य कला, चित्रकला और मूर्ति कला। स्थापत्य कला की बात करूं तो गुप्तकालीन स्थापत्य कला, यहां स्थापत्य कला का सीधा संबंध भवन निर्माण से, मंदिर निर्माण से, महलों के निर्माण से, ठीक है, जिसमें महल, मंदिर, भवन आदि को रखते हैं हम स्थापत्य की, किस तरह से उन बिल्डिंगों का, उन भवनों का, उन मंदिरों का स्ट्रक्चर बना, वो सारी बातें आएगी स्थापत्य कला में। गुप्तकालीन स्थापत्य कला की सबसे खास बात थी मंदिर निर्माण। जी हाँ, मंदिर निर्माण भारतीय इतिहास में या भारत में पहली बार मंदिर निर्माण की परंपरा का प्रारंभ जिस काल में हुआ वह काल था गुप्त काल। आपको ध्यान रखना है कि गुप्त काल में पहली बार मंदिर की निर्माण की परंपरा की क्या होती है, शुरुआत। इससे पहले भगवान की आराधना या आस्था के लिए मंदिर जैसी कोई चीज नहीं थी। तो मंदिरों का पहली बार प्रारंभ जिस काल में हुआ वह कौन सा काल था, गुप्त काल। इसीलिए गुप्त काल की जो स्थापत्य कला है सीधी सीधी आ जाती है किस निर्माण पर, मंदिर के निर्माण पर। देखें तो प्रथम बार गुप्त काल में मंदिरों का निर्माण हुआ। प्रारंभ में जो मंदिर बने थे उन मंदिरों की जो छतें थी वह सपाट हुआ करती थी, ठीक है। प्रारंभ में जो मंदिर बने उन मंदिरों की छतें सपाट हुआ करती थी इस तरह से, ठीक है। इस तरह से पिल्लर होते थे, थोड़ा ऊंचा चबूतरा होता था, इस तरह से मंदिर था। तो मंदिर की छत कैसी थी, सपाट थी। लेकिन जैसे जैसे मंदिर स्थापत्य में सुधार होता गया और बाद में जाकर के मंदिर की जो छतें आ गई उन पर शिखर बनाए जाने लगे, इस प्रकार से शिखर। तो शिखर वाले मंदिर का प्रारंभ भी गुप्त काल में और पहली बार मंदिरों का प्रारंभ भी गुप्त काल में। तो प्रारंभ में मंदिरों की छतें सपाट, किंतु बाद में मंदिरों में शिखर का प्रयोग हुआ। एग्जाम्पल है कि पहली बार गुप्त काल में किस मंदिर में शिखर का निर्माण हुआ या शिखर युक्त मंदिर कौन सा था। तो पहली बार जो शिखर युक्त मंदिर था वह मंदिर था देवगढ़ का दशावतार मंदिर। जी हाँ, देवगढ़ उत्तर प्रदेश झांसी। तो देवगढ़ का जो दशावतार मंदिर है यह पहला ऐसा मंदिर था जिस पर शिखर का प्रयोग हुआ था। इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है कि शिखर युक्त मंदिर पहला कौन सा था, देवगढ़ का दशावतार मंदिर, और यह मंदिर झांसी उत्तर प्रदेश में है। आगे हम मंदिर को और देखेंगे, अभी हम देख रहे हैं गुप्तकालीन मंदिरों की विशेषता है। तो प्रारंभ में मंदिरों की छत सपाट थी, बाद में मंदिरों में शिखर का क्या हुआ, प्रयोग हुआ। मंदिर एक ऊंची चबूतरे पर बने हुए थे। मंदिर के निर्माण के लिए पहले एक ऊंची चबूतरे का निर्माण किया गया था, उसमें जाने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी। एक गर्भगृह होता था जहां पर भगवान की मूर्ति स्थापित की जाती थी। जो मंदिर की छत थी उससे जस्ट नीचे एक गर्भगृह होता था जहां भगवान की मूर्ति स्थापित की जाती थी। इसके चारों ओर प्रदक्षिणा पथ होता था। जी हाँ, चारों ओर भगवान की परिक्रमा करने के लिए प्रदक्षिणा
पथ होता था और उसके आगे एक आंगन होता था जहां पर श्रद्धालु भक्त एकत्रित होकर के भगवान के दर्शन किया करते थे, उसके ऊपर भी एक छत होती थी। तो इस प्रकार से मंदिर की विशेषता, ठीक है, पहली विशेषता सपाट, बाद में मंदिर कैसे शिखर युक्त, दूसरी विशेषता या तीसरी विशेषता मंदिर एक ऊंचे चबूतरे पर क्या हुआ निर्माण, जिस पर चढ़ने के लिए क्या बनाई गई थी सीढ़ियां बनाई गई थी, एक गर्भगृह बनाया गया था जिसमें भगवान की मूर्ति स्थापित की जाती थी, उसके आगे एक आंगन होता था जहां से भगवान का दर्शन किया जाता था। और अगर बात करें कि गुप्तकालीन जो मंदिर है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, गुप्तकालीन जो मंदिर है वह कौन सी शैली में बने हुए थे, तो मंदिर निर्माण की तीन शैलियां फेमस है या प्रसिद्ध है, एक शैली है नागर शैली, एक शैली है द्रविड़ शैली और एक शैली है बेसल। मंदिरों का निर्माण भारत में जो मंदिर बने वो तीन शैलियों बने, नागर शैली, द्रविड़ शैली और बेसल शैली। तो उत्तर भारत के जो मंदिर बने थे वह नागर शैली में बने और दक्षिण भारत के जो मंदिर बने वे द्रविड़ शैली में बने, और जहां पे इन दोनों शैलियों का मिश्रण हो गया या इन दोनों शैलियों के मिश्रण से जिस शैली का जन्म हुआ वह बेसल शैली है। तो अभी हम बात करें जैसे कि गुप्तों का जो कार्य क्षेत्र था, प्रशासन क्षेत्र था, वह उत्तर भारत था। तो गुप्तकालीन मंदिर किस शैली में बने होंगे, ऑब्वियसली नागर शैली में। तो इंपॉर्टेंट है कि गुप्तकालीन मंदिर नागर शैली में बने हुए हैं, ठीक है, और दक्षिण में स्थित मंदिर द्रविड़ शैली में, और दोनों के मिश्रण से मंदिर निर्माण की जिस शैली का विकास हुआ वह शैली थी बेसल। तो तीन शैलियां हैं जिसमें से उत्तर भारत के मंदिर जो गुप्तकालीन मंदिर थे वह नागर शैली में, एक विशेषता ये हो गई, ठीक है। तो जहां भी आप मंदिर देखोगे मंदिर के द्वार पर द्वारपालों की मूर्तियां बनी होती है, जब भी आप मंदिर देखोगे मंदिर के द्वार पर द्वारपालों की मूर्तियां बनी होती है, जिसमें से अगर बात करें कुछ मंदिरों पर शेर की मूर्तियां, हाथी की मूर्तियां, द्वारपाल की मूर्तियां इस तरह से बनी होती है। लेकिन गुप्तकालीन मंदिरों की खास विशेषता यह थी कि इनके मंदिरों के द्वार पर द्वारपाल की मूर्तियां नहीं बनी थी, द्वारपाल के स्थान पर इनके मंदिरों के बाहर जो मूर्तियां बनी थी वह मूर्ति बनी थी गंगा और यमुना की। जी हाँ, गंगा और यमुना की। तो गंगा यमुना की मूर्तियां बनी थी जिसमें गंगा की जो मूर्ति बनी थी वो मकर वाहिनी थी, यानी मगरमच्छ पर सवार जिसकी मूर्ति थी वह थी गंगा, और यमुना की जो मूर्ति बनी थी वह कुर्म वाहिनी यानी कछुए पर सवार जो मूर्ति थी वह थी यमुना की। तो इंपॉर्टेंट है मकर वाहिनी गंगा और कुर्म वाहिनी या कछुए पर आसन, कछुए पर जो बैठी थी वह कौन थी यमुना। तो इस प्रकार की मूर्तियां बनी हुई थी। तो यह गुप्तकालीन मंदिरों की विशेषता थी। एक बार वापस से देखें, मंदिर निर्माण प्रथम बार गुप्तकाल में हुआ, प्रारंभ में मंदिरों की छत कैसी थी सपाट थी, किंतु बाद में मंदिरों में शिखर का प्रयोग हुआ, और पहली बार जिस मंदिर में शिखर का प्रयोग हुआ वह मंदिर था इस प्रकार का शिखर, देवगढ़ का दशावतार मंदिर था, ठीक है। मंदिरों के निर्माण पत्थर से हुए थे, मंदिर जो बने गुप्तकाल के वह पत्थर से बने थे, किंतु अपवाद में दो स्थान ऐसे हैं, एक है भीतर गांव और एक है सिरपुर। तो भीतर गांव का मंदिर और सिरपुर का मंदिर, इन दोनों मंदिरों में किसका प्रयोग हुआ था, ईंटों का प्रयोग हुआ था, ठीक है। पूछा जा सकता है और पूछा भी गया है कि गुप्तकाल का कौन सा मंदिर या कौन से मंदिर है जिनके निर्माण में ईंट का प्रयोग हुआ है, तो वह मंदिर है भीतर गांव का ईंटों से निर्मित मंदिर और सिरपुर का ईंटों से निर्मित लक्ष्मण मंदिर। तो इन मंदिरों में किसका प्रयोग हुआ है, ईंट, जिसमें से भीतर गांव का जो मंदिर है वो उत्तर प्रदेश में है और सिरपुर का जो मंदिर है लक्ष्मण मंदिर वह छत्तीसगढ़ में है। तो ये भी आपको क्लियर करना है कि जो मंदिर है अधिकांश किस में बने थे, पत्थर में। अपवाद दो है, एक भीतर गांव नामक स्थान और एक कौन सा स्थान, सिरपुर। भीतर गांव उत्तर प्रदेश में है और सिरपुर कहाँ है, छत्तीसगढ़ में है। तो ये भी, फिर बात करें मंदिरों में द्वारपाल के स्थान पर गंगा और यमुना की मूर्ति थी, गंगा मकर वाहिनी थी, आप नोट कर सकते हैं गंगा मकर वाहिनी यानी मगरमच्छ पर जिसकी मूर्ति बनी हुई थी वह गंगा की थी, और कछुए पर जिसकी मूर्ति बनी हुई थी वह कौन सी थी, यमुना, द्वारपाल के स्थान पर। अब प्रमुख मंदिरों की बात करें कि गुप्त काल में कौन कौन से प्रमुख मंदिर हैं, ठीक है,
तो पहला सबसे इंपॉर्टेंट मंदिर है देवगढ़ का दशावतार मंदिर। देवगढ़ का दशावतार मंदिर जो झांसी उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। इस मंदिर की खास बात क्या है, इस मंदिर में भगवान राम और कृष्ण, रामावतार और कृष्ण दोनों से ही संबंधित चित्र या दृश्य या मूर्तियां बनी हुई है, ठीक है। देवगढ़ के दशावतार मंदिर में भगवान राम और कृष्ण यानी रामावतार और कृष्णावतार दोनों से ही संबंधित मूर्तियां बनी हुई है। तो दोनों से संबंधित दृश्य है और दशावतार भगवान राम की विष्णु के अवतार की बात है, तो दशावतार या 10 अवतारों की एक झांकी सी बनी हुई है। तो मंदिर हो गया पहला देवगढ़ का दशावतार मंदिर, नागर शैली में बना हुआ है, झांसी उत्तर प्रदेश में है, भगवान विष्णु की 10 अवतारों को दर्शाया गया है जिसमें रामावतार और कृष्णावतार दोनों से संबंधित क्या है दृश्य। इंपॉर्टेंट क्या है, शिखर युक्त मंदिर है, झांसी उत्तर प्रदेश में है, ठीक। नेक्स्ट है नचना कुठारा का पार्वती मंदिर, सांची का मंदिर, तिगवा का विष्णु मंदिर, ऐरण का विष्णु मंदिर, भूमरा का शिव मंदिर और उदयगिरी का विष्णु मंदिर। यह जो चारों पांचों मंदिर है ये सारे के सारे जिस स्थान पर है उस स्थान का नाम है मध्य प्रदेश। जी हाँ, यह सभी मंदिर जहां बने हैं वह स्थान कौन सा है, मध्य प्रदेश है। वापस बोलता हूँ, देवगढ़ के दशावतार मंदिर तो उत्तर प्रदेश में है लेकिन नचना कुठारा का पार्वती मंदिर, सांची का मंदिर, तिगवा का विष्णु मंदिर, ऐरण का विष्णु मंदिर, भूमरा का शिव मंदिर, उदयगिरी का विष्णु मंदिर, ये सभी मंदिर कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। और ये सभी मंदिर जिससे बने हुए हैं वह प्रस्तर या पत्थर का प्रयोग हुआ है मंदिरों में। किसका प्रयोग हुआ है, पत्थर का। अब बात करूं मैं भीतर गांव का कृष्ण मंदिर और सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर। भीतर गांव उत्तर प्रदेश में है और सिरपुर छत्तीसगढ़ में है, तो भीतर गांव का कृष्ण मंदिर भी ईंट से निर्मित है और सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर भी किससे निर्मित है, ईंट। इंपॉर्टेंट है, निम्न में से कौन से मंदिर में पत्थर का प्रयोग नहीं हुआ या निम्न में से कौन से मंदिरों में ईंट का प्रयोग हुआ है। दो मंदिर है भीतर गांव और सिरपुर। तो यह मंदिरों को लेकर की बात थी। तो गुप्त काल में पहले स्थापत्य कला में हमने जो देखा है वो क्या है, मंदिर है, ठीक है। पहली बार मंदिर बने, प्रारंभ में सपाट थे, बाद में शिखर हुए, ये प्रमुख मंदिर है। जो मंदिर है वो वैष्णव व शैव धर्म से संबंधित है। सर्वाधिक मंदिर वैष्णव और किससे संबंधित है, शैव धर्म से संबंधित है। तो इससे अंदाजा होता है कि गुप्तकालीन जो शासक थे उनका जो धर्म था वह वैष्णव धर्म था और कुछ शासकों ने शैव धर्म को भी आश्रय दिया या शैव धर्म में भी वो आस्था रखते थे। अब बात करते हैं हम गुप्तकालीन चित्रकला, ठीक है। हम कला तो पढ़ ही रहे हैं और कला और संस्कृति की दृष्टि से गुप्तकाल को भारतीय या प्राचीन भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा गया है। और इस स्वर्ण युग में एक पक्ष या कला में एक पक्ष जो आता है वह है चित्रकला। तो गुप्तकाल में जो चित्रकला हुई वह गुफाओं पर हुई। किस पर हुई, गुफा। तो जो गुफा थी उन गुफाओं के अंदर चित्र बनाए गए और ये चित्र बौद्ध धर्म से संबंधित बने हुए थे जो गुप्तकालीन या गुप्त शासकों के समकालीन बने हुए थे। तो बौद्ध धर्म से संबंधित चित्र थे, कुछ पर धार्मिक चित्र बने हुए थे कुछ गुहाओं पर और कुछ गुहाओं पर लौकिक दृश्य बने हुए थे। तो चित्रकला की दृष्टि से गुप्तकाल में दो महत्वपूर्ण स्थान आते हैं। जी हाँ, चित्रकला की दृष्टि से गुप्तकाल में दो महत्वपूर्ण स्थान आते हैं। एक स्थान आता है अजंता और एक स्थान आता है बाघ। तो आपने नाम सुना होगा अजंता की चित्रकला और बाघ की चित्रकला। तो पहले तो हम इन दोनों ही स्थानों की लोकेशन को देखें कि ये है कहाँ पे। अजंता की गुफाएं भारत में स्थित महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है, ठीक है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित जो गुफाएं बनी हुई है वो अजंता की है। और बाघ की गुफाएं कहाँ है, भारत मध्य प्रदेश ग्वालियर में स्थित है, ठीक है। तो भारत मध्य प्रदेश ग्वालियर विंध्याचल की पहाड़ियां हैं, यहाँ पे तो पहाड़ी में स्थित है। तो ये विंध्याचल की पहाड़ी में स्थित ग्वालियर मध्य प्रदेश में है और अजंता औरंगाबाद महाराष्ट्र दक्कन की पठार या पश्चिमी घाट पर्वत में स्थित है। तो हम चलते हैं पहले अजंता की गुफाओं में। तो अजंता की गुफा, तो इन अजंता की गुफा की जो खोज हुई थी वो 1819 में हुई थी, ठीक है। तो 1819 में अंग्रेज सेना, उस समय मद्रास प्रेसिडेंसी की सेना थी अंग्रेजों की, तो अंग्रेज सेना के द्वारा अजंता की गुफा की खोज की गई। गुफा की खोज क्या की गई, अंग्रेज सेना थी उन्होंने उस गुफा के अंदर या उस क्षेत्र के आसपास
ऑस्ट्रेलिया देखा तो वहां पर चित्र बने हुए थे। बाद में 1824 में इस यह प्रकाश में आती है अजंता गुफाएं। तो खोज मद्रास प्रेसिडेंसी या अंग्रेज सेना के द्वारा 1819 में। अब अजंता में क्योंकि चित्र कैसे हैं, गुफा में बने हुए हैं, ठीक है, तो गुफा चित्र कहा गया, अजंता की गुफा और बाघ की गुफा। तो हम पहले तो बात करेंगे कि अजंता में कितनी गुफाएं मिली है। तो अजंता में 29 गुफाएं हैं, 29 गुफाएं प्राप्त हुई है, ठीक है, और 29 गुफाओं पर ही क्या बने हुए थे, चित्र बने हुए थे। अजंता में 29 गुफाएं प्राप्त हुई है और 29 गुफाओं पर चित्र बने हुए थे, जिसमें से अब वर्तमान में, यानी कि ये गुफाएं प्राप्त हुई 1819 में, ठीक है, जो गुप्त साम्राज्य का समय था या गुप्त काल का समय था वो 319 से लेकर के 550 ईस्वी था। तो आज से लगभग 1500 साल पहले की बात हो चुकी है, लगभग 1500 साल या 1500 से लेकर के 1700 साल पहले की बात हो चुकी है कि जब ये चित्र बने थे या कुछ इसके बाद और कुछ इसके पहले बने थे। तो अब ये चित्र धुंधले पड़ गए हैं या कुछ स्थानों पर ये चित्र नहीं है। तो पहली बात तो यह क्लियर हो गई कि अजंता की गुफा में कुल कितनी गुफा मिली है, तो 29 गुफाएं मिली है अजंता में, किंतु 29 गुफाओं में से चित्र कितनी गुफाओं पर है, सिर्फ 6 गुफाओं पर चित्र है, ठीक है, 29 में से सिर्फ 6 गुफाओं पर चित्र है, या इन्हीं पर ही वर्तमान में चित्रों के अवशेष बचे हुए हैं। और ये कौन कौन सी गुफा है, तो देखो 6 गुफा कौन कौन सी है, 1 नंबर और 2 नंबर की गुफा, 9 और 10, 16 और 17। तो आप क्रम से याद कर सकते हो इसको, 1, 2, 9, 10, 16, 17, तो दोनों कंटिन्यू है, जैसे कि 1, 2 आ गया, फिर 9, 10 और फिर 16, 17, तो टोटल कितने हो गए, 6। तो वर्तमान में 6 गुफाओं पर ही क्या मिले हैं, चित्र। टोटल गुफाएं कितनी थी, 29। अब एक बात और इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, जो अजंता की गुफा पर चित्र बने हुए थे वो सभी चित्र एक समय में नहीं बने, ठीक है, गुफा बहुत बड़ी थी, आप देख चुके हो 29 गुफाएं मिली है, तो वो सभी चित्र एक समय पर नहीं बने हुए थे, अलग अलग समय पर उन चित्रों का निर्माण किया गया या उनको बनाया गया था, अलग अलग समय पर बने थे। और अलग अलग समय पर बने तो जरूरी नहीं है कि सारे ही गुप्त शासकों के समकालीन हो, कुछ अलग भी थे। तो इनको देखो नाम दिया गया है, तो खोज 1819 में अंग्रेज सेना ने जो 1 नंबर और 2 नंबर की गुफा है वो चालुक्य युगीन गुफाएं हैं, मतलब 1 और 2 नंबर की गुफा पर जो चित्र बने हैं वो चालुक्य शासकों के समकालीन बने, 9 और 10 सातवाहन शासकों के समकालीन बने, और 16 और 17 का संबंध किससे है, गुप्त काल से। तो 29 गुफाओं में से 6 गुफा पर चित्र मिल रहे हैं, 6 में से 2 गुफा ही गुप्तकालीन या गुप्तकालीन शासकों के समकालीन है, और वो कौन सी है, 16 और 17, ठीक है। अब इन पर जो चित्र बने हुए हैं उनकी बात कर लेते हैं। 16 नंबर की गुफा सबसे महत्वपूर्ण गुफा है, और 16 नंबर की गुफा पर हमको सबसे प्रमुख जो चित्र है वो है मरणासन राजकुमारी का, और दूसरा चित्र है बुद्ध के महाभिनिष्क्रमण का चित्र, ठीक है। मरणासन राजकुमारी क्या है, एक ऐसी राजकुमारी है जो लेटी हुई है, उसके आसपास वैद्य उसके परिवारजन खड़े हुए हैं, जिससे प्रतीत हो रहा है कि यह राजकुमारी अब मृत्यु के निकट है। तो इस प्रकार का दृश्य था, इसीलिए इस चित्र को नाम दिया गया है मरणासन राजकुमारी। एग्जाम में पूछा जाएगा मरणासन राजकुमारी कौन से नंबर की गुफा से प्राप्त हुई है, तो वो 16 नंबर की गुफा से प्राप्त हुई है। या मरणासन राजकुमारी का संबंध किस चित्रकला से है, तो अजंता की चित्रकला से इसका क्या है, संबंध। इसी 16 नंबर की गुफा पर एक चित्र हमको और मिला है, वैसे तो बहुत सारे चित्र है, मैं इंपॉर्टेंट चित्रों की बात कर रहा हूं। तो मरणासन राजकुमारी के अलावा इस पर एक चित्र मिला है जिसका नाम है बुद्ध के महाभिनिष्क्रमण का चित्र। महाभिनिष्क्रमण क्या है, गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की आयु में अपना घर छोड़ दिया या गृह त्याग कर दिया, अपनी पत्नी और बच्चे को छोड़ करके, तो उनका घर से किया गया त्याग ही क्या कहलाया, महाभिनिष्क्रमण। तो अपने महल वहल, अपनी वेशभूषा और उनके जो गहने थे, एक राजकुमार के भांति वो जीवन जी रहे थे, उन सभी का त्याग करके वो सत्य की खोज के लिए निकल जाते हैं। इस चित्र को कहा गया, इस समय को कहा गया था महाभिनिष्क्रमण, और इस समय को चित्र में उकेरा गया, तो इसलिए चित्र का नाम भी क्या पड़ गया, बुद्ध के महाभिनिष्क्रमण का चित्र। दोनों चित्र कौन से नंबर की गुफा में, 16 नंबर की गुफा में। बात करें 17 नंबर की गुफा की,
तो बुद्ध के जीवन से संबंधित सभी पक्षों के चित्र इस गुफा में, जैसे कि बुद्ध का जन्म, बुद्ध का शिक्षा प्राप्त करना, बुद्ध की महाभिनिष्क्रमण का चित्र, बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति का चित्र, बुद्ध के उपदेश देने का चित्र, ठीक है, बुद्ध की अपनी माता से मिलने का चित्र या बुद्ध की मृत्यु का चित्र, तो बुद्ध के जीवन के, गौतम बुद्ध के जीवन के सभी पक्षों के जो चित्र हमको मिलते हैं उनकी जीवन से संबंधित, वो सभी किसमें है, 17 नंबर की गुफा में, ठीक है। तो ये अजंता की चित्रकला थी, वापस देखना, अजंता की गुफा में कुल 29 गुफाएं हैं, वर्तमान में 6 गुफा पर चित्र है, जिसमें 1, 2, 9, 10 और 16, 17 16, 17 गुप्तकालीन है, 9, 10 सातवाहन युग की है, 1, 2 चालुक्य युग की। 16 नंबर की गुफा पर मरणासन राजकुमारी का चित्र है और बुद्ध के महावीनिष्क्रमण का। 17 पर बुद्ध के जीवन से संबंधित चित्रशाला, बुद्ध के जीवन से संबंधित चित्र है, इसीलिए 17 नंबर की गुफा को चित्रशाला कहा गया है। क्या कहा गया है? चित्रशाला। कौन से नंबर की गुफा को चित्रशाला कहा गया है? तो 17 नंबर गुफा। अब बात करें हम बाघ की चित्रकला, अजंता की चित्रकला हो गई, अब बाघ की चित्रकला। बाघ की चित्रकला में हमको 9 गुफाएं प्राप्त हुई है। कितनी? 9। वहां 29 थी और यहां कितनी है? 9। एक खास बात क्या है बाघ की चित्रकला की? अजंता की चित्रकला की जो गुफाएं थी वो अलग अलग शासकों के समकालीन थी, लेकिन बाघ की जो चित्रकला थी वो एक ही समय की थी और वो समय था गुप्तकाल का। वो समय किसका था? गुप्तकाल का। तो बाघ की चित्रकला से हमको 9 गुफाएं प्राप्त हुई है और ये सारी की सारी गुप्तकाल से संबंधित है, ठीक है। पहली बात तो ये क्लियर, जहां अजंता की चित्रकला में धार्मिक विषयों के चित्र मिलते हैं, यानी बुद्ध से संबंधित चित्र है, अजंता की चित्रकला में धार्मिक विषयों के चित्र थे, किंतु बाघ की जो चित्रकला थी उसमें अधिकांश लौकिक विषय थे। कैसे विषय थे? लौकिक विषयों को ध्यान में रखा गया था। यहाँ लौकिक विषय से तात्पर्य है, जैसे कि इन चित्रों पर ध्यान दिया गया वेशभूषा, श्रृंगार, केश विन्यास, नृत्य, इस प्रकार से वेशभूषा, श्रृंगार, केश विन्यास, इन चित्रों को ध्यान दिया गया बाघ की चित्रकला में, ठीक है। तो 9 गुफाएं प्राप्त हुई है, लौकिक विषयों का चित्रांकन है, लौकिक विषयों में वेशभूषा, श्रृंगार, केश विन्यास है, यह सभी चित्र एक ही समय के हैं या एक ही समय निर्मित है, पर वो समय किसका है? हम गुप्तकाल पढ़ रहे हैं तो गुप्तकाल आ जाएगा। क्लियर है बात यहां तक? अब नेक्स्ट जो चित्रकला है या कला में हम बात करेंगे, स्थापत्य कला, चित्रकला और मूर्ति कला की। तो गुप्त काल में मूर्ति कला का जो प्रमुख केंद्र था ना, वो मथुरा था। कौन सा था? मथुरा। मथुरा उत्तर प्रदेश में है, इसीलिए गुप्तकालीन मूर्ति कला को मथुरा कला कहा गया है। गुप्तकालीन मूर्ति कला को क्या कहा गया है? मथुरा कला कहा गया है। और मूर्ति कला में अधिकांश मूर्तियां, गुप्त काल में अधिकांश मूर्तियां 3 स्थानों से प्राप्त हुई है। एक स्थान तो आपके पास मथुरा आ ही गया, क्योंकि इसका नाम ही मथुरा कला है। 2 स्थान कौन कौन से हैं? एक स्थान है सारनाथ, एक स्थान है सुल्तानगंज और एक स्थान है मथुरा। तो सारनाथ, सुल्तानगंज और मथुरा, इन 3 स्थानों से सर्वाधिक मूर्तियां प्राप्त हुई है। और जिसकी मूर्तियां अधिकांश प्राप्त हुई है वह कौन है? बुद्ध है। तो बुद्ध से संबंधित सर्वाधिक मूर्तियां हमको गुप्त काल में प्राप्त हुई और ये 3 स्थान है। लेकिन फिर भी कुछ ऐसी मूर्तियां हैं जो गुप्त काल की देन है, जैसे कि गंगा और यमुना। हम पीछे ही देख करके आ चुके हैं मकर वाहिनी और कुर्म वाहिनी। ये जो दो मूर्तियां हैं, गंगा यमुना की जो मूर्तियां हैं, यह है गुप्त काल की देन है, ठीक है। गंगा यमुना की मूर्तियां गुप्त काल की देन है। सुल्तानगंज जो बिहार के अंदर है, यहां से बुद्ध की तांबे की मूर्ति प्राप्त हुई है। किसकी मूर्ति प्राप्त हुई है? तांबे की। सुल्तानगंज से बुद्ध की तांबे की मूर्ति प्राप्त हुई है और अन्य स्थानों से हमको बुद्ध की पत्थर की मूर्तियां प्राप्त हुई है। तो तांबे की मूर्ति बुद्ध की कहां से मिलती है? सुल्तानगंज से। तो ये हमारा आज का जो चैप्टर था वो है गुप्तकालीन कला और संस्कृति, कला और साहित्य की दृष्टि से गुप्तकाल को क्लासिकल युग या स्वर्ण युग कहा गया। कला में हमने स्थापत्य, चित्रकला और मूर्ति कला रखा। स्थापत्य कला में हमने बात की मंदिर निर्माण की। पहली बार मंदिर बने गुप्त काल के अंदर, पहले मंदिर सपाट थे, बाद में शिखर थे। शिखर वाला पहला मंदिर देवगढ़ का दशावतार मंदिर था। मंदिर में गर्भगृह होता था जिसमें भगवान की मूर्ति, मंदिर एक ऊंचे चबूतरे पर बनाया गया जिसमें जाने के लिए सीढ़ियां बनी होती थी।
मंदिरों में पत्थर का प्रयोग हुआ, दो अपवाद थे भीतरगाह और कौन सा था सिरपुर, जहां पत्थर के स्थान पर किसका ईंट का। मंदिर में द्वारपाल के स्थान पर गंगा और यमुना की मूर्ति बनी हुई थी। पहला शिखर वाला मंदिर देवगढ़ का दशावतार मंदिर झांसी उत्तर प्रदेश था, जिसमें रामावतार कृष्णावतार दोनों से संबंधित दृश्य थे। इसके अलावा नचना कुठारा का पार्वती मंदिर, सांची का मंदिर, तिगवा का विष्णु मंदिर, एरन मथुरा का शिव मंदिर, उदयगिरी का विष्णु मंदिर, ये सभी मंदिर मध्य प्रदेश में थे। भीतरगांव का कृष्ण मंदिर और सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर। सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर छत्तीसगढ़ में है और भीतरगांव का मंदिर उत्तर प्रदेश में है। ये जो मंदिर बने हुए थे वो किस शैली में बने हुए थे, नागर शैली में बने हुए थे। ये गुप्तकालीन चित्रकला जिसमें दो स्थान थे बाघ और अजंता, ठीक है, जिसमें 29 गुफा थी बाघ अजंता में, जिसमें 6 पर ही क्या मिले चित्र। गुप्तकाल का संबंध सिर्फ किस गुफा से है, 16 और 17 से। बाघ की चित्रकला में लौकिक विषयों को ध्यान दिया गया है, एक ही समय बने हैं, उस समय गुप्तकाल था। अजंता में धार्मिक पक्ष को ध्यान दिया गया। मूर्तिकला में मथुरा सुल्तानगंज और सारनाथ प्रमुख केंद्र थे। मथुरा में सर्वाधिक मूर्तियां निर्मित हुई, इसलिए मथुरा इस कला मूर्तिकला को मथुरा कला के नाम से जाना गया। तो आज की क्लास हमारी कला संस्कृति को लेकर के खत्म है। इसके बाद हमारी नेक्स्ट क्लास होगी। धन्यवाद।